देखिए, एक बार नहीं तीन बार नियोजन नीति बनी और आप देखे हैं कि हाईकोर्ट का टिप्पणी के बाद या टिप्पणी के बाद निरस्त हुआ है और एक नियमावली बनी हुई है, ये सर्वोदित है। और हम लोगों ने जब लिए हैं कि हम लोगों ने 50 लाख लोगों को जो नौकरी देने के बाद जो हम मदद करके आए थे, उसी दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं, उसी दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। और आपको ये विश्वास भी हम दिलाते हैं, वही बोलते हैं वो फिर करके छोड़ दिए। जिस दिन बहाली होगी और बहाली के बाद काउंट करेंगे कि झारखंड के बच्चे आए हैं ना बाहर के बच्चे आए हैं, ये देखने के बाद ही आप बताइएगा कि सरकार करनी और कतनी में अंतर है, सरकार तब बताइएगा। अब हम शुरुआत ही करने जा रहे हैं। यहाँ के लोगों जो बेकार नौजवान युवक और युवती जो है वो सड़क पर घूम रहे हैं, तो हमारी सरकार तो एक लॉट में 26,000 जो झारखंड के इतिहास में इतना टीचरों को बहाली, अरे 26,000 एक बहाली का एडवर्टाइजमेंट कभी भी नहीं मिला। तो सरकार काम करना चाह रही है और दूसरे लोग जो है इसको जो रोकने के काम कर रहे हैं। तो भाई यहाँ के जो जनमानस में जो अच्छा होगा उस पर सबको एकजुट होकर काम करनी चाहिए। और हम विश्वास के साथ कहते हैं कि हमारा एजेंडा है यहाँ के नौजवान, यहाँ के जो भी है उसको उसको अधिक से अधिक शेयर मिले। और सीटेट के अभ्यर्थियों ने 26,000 शिक्षकों की जो बहाली निकली है उसको लेकर के स्टे पिटीशन फाइल कर दिया है हाईकोर्ट। अब हाईकोर्ट के छुट्टी नहीं आ गया, तो हम उस वक्त कुछ नहीं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।